अक्षय मंडली अक्षय ब्रो सुशीव पहले तो काफी वार्म वेलकम मिला आज जी 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 आप उसके बारे में क्या कह रहे हो इतना वार्म वेलकम आपको जो मिला आज यार तुम लोगों के लिए पार्टी रखी है मैंने और वेलकम क्या तुम्हारा वेलकम के लिए थोड़ा जल्दी आना चाहिए था बट एक अवार्ड फंक्शन अटेंड करके आया हूँ और दिल से शुक्रिया और कोई भी मैं बता रहा हूँ दिल से खाना खाए बिना पिए बिना जाने का नहीं सब लोगों का अरेंज किया हुआ है और ये अपनी पार्टी है सबकी मेरी पार्टी नहीं है ठीक है और सिर्फ सेलिब्रिटी की पार्टी नहीं है अपनी पार्टी ये ध्यान में रखना कोई खाए बिना नहीं जाएगा ओके सबसे बड़ी बात है आपने अपने गाड़ी ली उसके चलते पार्टी है जब जैसा आपने मुझे कहा था ये पार्टी तो थैंक यू सो मच गाड़ी की पार्टी नहीं ऑल ओवर पार्टी है कि सबको गुड लक मिले सबका काम चालू हो गया है बहुत अच्छे तरीके से शायद इसके बाद सब लोग बिजी हो जाएंगे तो एक लास्ट एक गेट टुगेदर करके सब अपना अपना काम अच्छे से करें और बेस्ट कर यस यस काफ़ी लोगों के काम के बारे में आज जी आपके जो खतरों के खिलाड़ी को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है उसको लेके आप क्या कह रहे यार मैं हमेशा बोलूँगा ऑलमोस्ट हो ही चुका है बट पूरी तरह मैं बाद में बताऊँगा शायद वहाँ पे दिख जाऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना तो थोड़ा वेट करो बट अच्छी चीज़ है कोई जो भी मेरे पास आपकी और रोहित शेट्टी की जो जोड़ी है कैसी होने वाली है वो भी कड़क आदमी है मैं भी कड़क थोड़ा थोड़ा तो जमेगा ना यार मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी खतरों के लिए रहेगी अगर लॉकअप और इसमें रहे तो खतरों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मैं ज़रूर करूँगा यार मतलब टीवी शो तो आपको पॉलिश कर करके आगे बढ़ाता है और कौन नहीं बोलेगा बट मैं कि अभी मैं जस्ट कुछ चीज़ों के लिए हाँ बोल चुका हूँ वो चीज़ होने के बाद एक छोटी छोटी जंप लेते तो ज़्यादा मज़ा आएगा यार निमृत और मेरा उसे भी करना है मुझे भी करना है सबको काम किसको नहीं करना है बट ये चीज़ डायरेक्टर सुन ले और बाकी जो प्रोड्यूसर वो सुन ले तो मज़ा आ जाएगा और एक अच्छा सॉन्ग आ जाए अब्दू ने फनी वे में वो जो मंडली को लेके काफ़ी बोला है अगर आप कुछ कहना चाहोगे मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार कर लो जो बोला है और कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे मुझे लगता है एक्शन में ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ बोलने से ज़्यादा कुछ चीज़ आएगी जिसमें पूरी फ्रेम पूरी पिक्चर दिखेगी पूरी मंडली दिखेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा थोड़ा वक्त कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ बस अभी ये एंजॉय कर रहा हूँ अभी क्या मिस हो गया वहाँ पे जीना था वो जी लिया अभी ये जी रहा हूँ सब कुछ जो लोग प्यार कर रहे हो काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यार मैं वही बोल रहा हूँ थोड़ा इंतज़ार कर लो कुछ चीज़ों के बाद एक फ्रेम दिखेगी आपको प्यारी सी और वो क्लियर हो जाएगा कुछ चीज़ें होती है ना जो बाहर अलग चलती है अंदर कुछ अलग चलती है तो अंदर आने दो यहाँ अंदर वाली चीज़ मैं दिखाऊंगा तो जो चीज़ पहले दिन से थी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मंडली वैसी रहेगी ये जगह मेरे हमारे दोस्त की है हमारे मेरे भाई जैसे बड़े भाई है वो जो मेरे बिग बॉस के पहले से कॉन्टेक्ट में थे तो उन्होंने मुझे खुद होके बोला कि पार्टी रखनी है तो इधर रखना है तो राज भाई तो इसलिए उन्होंने बोला हक से और मैं सोच ही रहा था कि पार्टी रखना है तो अपने करीब वालों के साथ पहले जाना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है बिग बॉस के एपिसोड नहीं देखे सच्ची में वो देखना मुझे लगता है जितने हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना सब लोग जो 16 कंटेस्टेंट मिलते तो हक भी कर लेते स्माइल भी करते वो कर नहीं पाएंगे ये बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी दूसरे रूम की उससे अच्छा बेस्ट है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें रील में वो देखते उसे एंजॉय करते तो प्यार बढ़ते रहेगा कम नहीं होगा नहीं तो फालतू में एक दूसरे के सामने आएगा तो नफरत आ जाएगी ना थैंक यू लव यू और पार्टी सबके लिए प्लीज़ फिर से बता दो हाँ सब सब